काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टैली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे स्टैंडर्ड रेट क्या है, इसका क्या उपयोग है, इन्हें स्टॉक आइटम्स पर कैसे सेट किया जाता है। जब हम कोई आइटम किसी निश्चित यानी फिक्स्ड रेट से परचेस करते हैं और उस पर हमारा जो खर्च हुआ है वो और उसमें प्रॉफिट जोड़कर उसका एक सेल्स रेट फिक्स कर लेते हैं, तो ये फिक्स्ड रेट ही स्टैंडर्ड रेट कहलाते हैं। टैली ने भी हमें इस तरह के स्टैंडर्ड रेट सेट करने का एक ऑप्शन दिया है, जिसके माध्यम से हम परचेस और सेल दोनों के स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट सेट करने से होगा ये कि जब भी हम वो आइटम परचेज या सेल करेंगे तो हमें रेट टाइप नहीं करना होंगे। हमने जो स्टैंडर्ड रेट सेट किए हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हाँ, आप चाहें तो उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसके फायदे क्या हैं? तो इन्हें हम दो उदाहरणों से समझा रहे हैं। पहला तो ये कि जब हमारा व्यापार बड़ा होता है तो हम रोजाना बहुत से आइटम्स खरीदते हैं और बहुत से आइटम्स बेचते हैं। ऐसे में हमें इन्वेंटरी यानी माल को परचेस करने की प्राइस और माल को सेल करने की प्राइस याद नहीं रहती, और इसी कारण कभी कभी हम माल को उसकी परचेस प्राइस से भी कम रेट में बेच देते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। स्टैंडर्ड रेट सेट करने से ये होता है कि जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो वहां हमारे द्वारा सेट किया गया सेल रेट दिखाई पड़ता है, जिससे कि हम उस माल को नुकसान में बेचने से बच जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी कंपनी के डीलर हो और उस स्थिति में कंपनी आपको निश्चित भाव से माल देगी और आपको भी कंपनी के बताए अनुसार निश्चित भाव पर ही माल बेचना होगा। आपने देखा होगा कि सभी व्हीकल्स के शोरूम्स, मोबाइल्स के शोरूम्स, इसी तरह कई बड़ी बड़ी कंपनीज के शोरूम्स को मैन्युफैक्चरर किसी निश्चित मूल्य पर माल सप्लाई करते हैं और मैन्युफैक्चरर द्वारा ही इनकी सेलिंग प्राइस भी तय की जाती है। उसी सेलिंग प्राइस पर शोरूम वालों को माल बेचना होता है। जैसे यदि हमें हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल खरीदना है तो उनके सभी शोरूम्स पर हमें एक ही भाव मिलेगा। स्टैंडर्ड रेट का ये ऑप्शन वहां भी बहुत काम आता है। तो चलिए टैली में काम करते हुए इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कंपनी टेलीविजन हाउस के नाम से पहले से बनाई हुई है और इसमें सभी जरूरी लेजर्स और कुछ स्टॉक ग्रुप्स और उनमें कुछ स्टॉक आइटम्स भी बना लिए हैं। इन सभी को बनाना हम आपको अपनी बेसिक लेवल की वीडियोस में सिखा चुके हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन चालू करने के लिए हमें स्टॉक आइटम क्रिएशन या स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन स्क्रीन पर जाना होगा। यहाँ हम स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन पर जाने के लिए ए प्रेस कर रहे हैं। यहाँ से स्टॉक आइटम पर जाना होगा। ये देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ रही है। हमें जिस आइटम में स्टैंडर्ड रेट डालना है उस पर जाना होगा। हम सोनी टीवी 20 इंच सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन चालू करना होगा, उसके लिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आ रही है। हम बैकस्पेस की से शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पर जाकर इसे यस कर रहे हैं। अब यहाँ इन्वेंटरी डिटेल्स के अंतर्गत दिखाई पड़ रहे ऑप्शन प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स को यस करेंगे और इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ये देखिए एडिशनल डिटेल्स के अंतर्गत एक नया ऑप्शन ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट्स आ रहा है। ध्यान रखें, जब आप नया स्टॉक आइटम बनाते हैं तो इसके स्थान पर सेट स्टैंडर्ड रेट्स के नाम का ऑप्शन आता है। इस आइटम में स्टैंडर्ड रेट टाइप करने के लिए यहाँ हमें इसे यस करना होगा। ध्यान रखें, भविष्य में स्टैंडर्ड रेट में चेंजेस करने के लिए या डिलीट करने के लिए भी हमें यहीं से जाना होगा।
ये देखिए स्टैंडर्ड रेट्स टाइप करने के लिए एक नई स्क्रीन आ गई है जिसमें यहाँ आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट टाइप करना है। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस रेट में हम माल खरीदते हैं वो यहाँ पर टाइप करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम में हमें वो तारीख टाइप करना है जिस तारीख से हम ये रेट सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम 1 अप्रैल और रेट में 20,000 टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस करते हुए नीचे की लाइन में आ गए हैं। अब हमें ध्यान आया कि हम जिस कंपनी से माल परचेस करते हैं उसने हमसे कहा था कि 1 मई को ये रेट रिवाइज्ड होकर 20,500 रुपए हो जाएंगे, तो यहां हम इन्हें भी टाइप कर देते हैं। अब हम एंटर प्रेस करते हुए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर आ गए हैं। यहां हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट जोड़कर माल को जिस भी रेट में सेल करना चाहते हैं वो रेट टाइप करना है, यानी यहां पर हमको सेल्स रेट टाइप करना है। हम एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल और रेट में 25,000 टाइप कर रहे हैं। और इसी तरह यहां नीचे 1 मई से जो स्टैंडर्ड सेल्स रेट लागू करना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे। यहां एक बात का ध्यान रखें कि परचेज और सेल दोनों के स्टैंडर्ड रेट सेट करना जरूरी नहीं है, आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी एक का भी रेट सेट कर सकते हैं। अब इसे सेव कर लेते हैं और अब इस स्क्रीन को भी सेव कर लेंगे। इसी तरह आप नए आइटम्स बनाते समय या पहले से बने हुए आइटम्स को अल्टर करके स्टैंडर्ड रेट्स सेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड रेट किस तरह काम करते हैं। इसके लिए पहले हम एक परचेज वाउचर बना लेते हैं। यहां हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर और यहां डेट टाइप कर रहे हैं। यहां पार्टी अकाउंट नेम में हम सप्लायर 1 ले रहे हैं और यहां परचेस का लेजर सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हम सोनी टीवी 20 इंच सिलेक्ट कर रहे हैं। क्वांटिटी में 10 टाइप कर रहे हैं। ये देखिए हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट टाइप की थी वो यहां पर ऑटोमेटिकली आ रही है। ध्यान रखें आप चाहें तो अपनी जरूरत अनुसार जो रेट्स यहां आ रहे हैं उन्हें भी चेंज कर सकते हैं। हम इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। आइए अब एक सेल्स वाउचर बना लेते हैं। यहां हम कस्टमर 1 ले रहे हैं। यहां सेल सिलेक्ट करेंगे। आइटम में हम सोनी टीवी 20 इंच सिलेक्ट कर रहे हैं। क्वांटिटी में 2 टाइप कर रहे हैं। ये देखिए हमने जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस सेट की थी वो यहां पर ऑटोमेटिकली आ रही है। हम डेट बदलकर 1 अप्रैल की जगह 1 मई कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो रेट्स हैं वो पुराने ही आ रहे हैं, जबकि हमने 1 मई के लिए भाव 25,750 सेट किया था। हम स्केप की प्रेस करके वापस पीछे चलते हैं और फिर से सेल्स वाउचर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए अभी यहां पर तारीख 1 मई आ रही है, हमको यही चाहिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अब 1 मई के लिए हमने जो भाव 25,750 सेट किए थे वही आ रहे हैं। ध्यान रखें आप चाहें तो यहां पर जो रेट आ रहे हैं उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। हम इस वाउचर को सेव कर रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि स्टैंडर्ड रेट्स व्यापारियों के लिए कितना उपयोगी है। इसके बाद वाली वीडियो में हम प्राइस लेवल्स और प्राइस लिस्ट बनाना बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।